और अब 5 मिनट में हरियाणा की बड़ी खबरों पर एक नजर। गुरुग्राम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 दिवसीय संगोष्ठी कार्यक्रम का समापन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वैदिक विज्ञान पर आयोजित संगोष्ठी में शामिल लोगों को संबोधित किया। विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक दिनेश चंद भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आज सारी सृष्टि वेदों से रची हुई है, वेदों के ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए इसी तरह की संगोष्ठी का लगातार आयोजन किया जा रहा है। विदेशी ताकतों ने इसको पार्श्व में ले जाने का काम किया, इसको खंडित करने का काम किया, इसका विनाश करने का काम किया। देश की आजादी के बाद अब ये समय ऐसा आया है कि हम सब अपने प्राचीन विधवाओं को। गोहाना में डिपो संचालक पर ग्रामीणों ने लगाया राशन कम देने का आरोप। ग्रामीणों ने अधिकारियों और पुलिस को डिपो संचालक के खिलाफ शिकायत दी। आधार बारे 30-35 साल से बांट रहे हैं और गरीबों को जिंग उठा लगवा लिया, राशन पूरा नहीं देता था, गाली गलौज करता था सबके साथ, और कई बार इसको शिकायत भी, छोटी मोटी बार शिकायत भी की किसी ने, गरीब आदमी ने, लेकिन ऐसे ही मामला इन्हें सुलटा लिया कई बार। अब की बार तो बहुत ज़्यादा इन्हें हंगामा भी कराया है, गीता जयंती के 5,159 वर्ष पूरे होने पर गीता जन्मस्थली की पावन धरा ज्योतिसर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता पूजन किया। इसके साथ ही हवन यज्ञ में पूर्णाहुति डाली।